हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और पोल का क्या रोल है स्पीड कंट्रोल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो इंडक्शन मोटर एक कॉमन टाइप का मोटर है जो घरों में भी यूज होता है और इंडस्ट्री में भी यूज होता है। और यहाँ पे हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली ये इंडस्ट्री में यूज होता है और इसका कंट्रोल सिंपल है, इसके वजह से वाइडली यूज किया जाता है। और ये एसिंक्रोनस टाइप का मोटर है जिसका की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहता है। अभी यहाँ पे एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। कोई भी इंडक्शन मोटर के स्टडी करने के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म का यूज किया जाता है, पहला सिंक्रोनस स्पीड और दूसरा स्लिप। तो ये दोनों चीजें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और इसका क्या रोल है स्पीड कंट्रोल में ये भी देखेंगे। तो हम लोग इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो जब हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग पे अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और इसका नेचर रोटेटिंग में रहता है। मतलब जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो रोटेटिंग में होता है, रोटेट करेगा। और रोटेटिंग फ्लक्स का स्पीड जो है वो डिपेंड करेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ पोल पे। जो स्पीड से आपका रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। यहां से सिंक्रोनस स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलेंगे और जो मोटर इस सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करे उसको सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। अभी सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग NS से शो करते हैं और इसका मेजर हम लोग RPM में करेंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट। और NS का फॉर्मूला है 120 × F/P। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पोल्स है, तो सिंक्रोनस स्पीड कितना रहेगा किसी मोटर का वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल शॉर्ट में देखेंगे। तो जब हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग पे अप्लाई करते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा कि आपके रोटर पे EMF इंड्यूस होगा, आपके रोटर के कंडक्टर पे EMF इंड्यूस होगा। और क्योंकि आपका रोटर का जो कंडक्टर है वो दोनों टर्मिनल उसका बार के फॉर्म में रहता है, वो शॉर्ट रहते हैं, तो इस EMF जो जनरेट हुआ इस पे उसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करने लगेगा और ये इंड्यूस करंट है। इसके लिए इसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल नियरली सेम है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर। नाउ जो करंट फ्लो कर रहा है आपके रोटर में उसकी वजह से रोटर का भी एक फ्लक्स जनरेट होगा और ये फ्लक्स लैग बिहाइंड करेगा स्टेटर फ्लक्स से। अभी लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि आपके रोटर में करंट जनरेट हुआ है, अभी इसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन में रहेगा कि वो अपोज करे जिस कॉज से ये करंट जनरेट हुआ था। तो हम थंब रूल लगा के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि रोटर का रोटर स्टार्ट कर देगा रोटेट करना और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, जिस डायरेक्शन में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। बट यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि वो लैग बिहाइंड कर रहा है, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से लैगिंग करेगा। तो जनरली आपका जो रोटर का स्पीड रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस स्पीड। इसके लिए इंडक्शन मोटर को हम लोग एसिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होता है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं और हमारा इंडक्शन मोटर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो उसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहता है, तो इसके लिए उसको एसिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। अभी सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड जो कि मोटर का है उसके डिफरेंस को हम लोग स्लिप बोलेंगे। तो परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NS − N / NS × 100। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे NS जो है सिंक्रोनस स्पीड है, N जो है एसिंक्रोनस स्पीड या मोटर का स्पीड। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो कि एक मोटर है जिसका कि सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM है और उसका
एक्चुअल रनिंग स्पीड 1440 आरपीएम है, तो उसका स्लिप कैलकुलेशन करना है। तो स्लिप का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इंटर करेंगे तो यहाँ पे स्लिप का वैल्यू आ जाएगा 4%, मतलब मोटर का स्लिप 4% है। अभी कोई भी इंडक्शन मोटर का अगर आप नेम प्लेट पढ़ोगे तो उसमें कुछ इस तरीके से डिटेल रहेगा। तो क्या क्या डिटेल रहता है इंडक्शन मोटर के नेम प्लेट पे वो देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें पावर ऑफ मोटर, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, इनपुट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे इसको रन करना है, स्पीड और कनेक्शन टाइप, इफिशियंसी क्लास, प्रोटेक्शन टाइप। तो ये 7 चीजें जनरली मेंशन होती है। उसके अलावा भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लाइक माउंटिंग पोजीशन क्या रहेगा, ये सब चीजें भी रहती है उसमें, लाइक फ्रेम साइज। अभी इस नेम प्लेट पे आप स्पीड देखिए, तो यहाँ पे 1440 आरपीएम लिखा हुआ है और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इस मोटर का बेस सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है और फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। तो नंबर ऑफ पोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एनएस का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है, एनएस हमारे पास है, एफ है, पी हमको कैलकुलेट करना है। तो ये सारी वैल्यू हमको डालना है और पी हमारा आ जाएगा 4। इसका मतलब ये नेम प्लेट का मोटर जो है वो 4 पोल का मोटर है। तो अभी हम लोग 2 पोल के मोटर का बेस स्पीड कितना रहेगा, तो 50 हर्ट्ज अगर है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूले में 50 डालेंगे और नंबर ऑफ पोल 2 डालेंगे, आरपीएम हमारा आ गया 3000 आरपीएम। इसी तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, फॉर्मूले में एफ की जगह 60 डालेंगे, आरपीएम हमारा आ जाएगा 3600 आरपीएम। ओके, सिमिलरली हम लोग 4 पोल के लिए, 6 पोल के लिए और 8 पोल के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि 3000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम और 750 आरपीएम का मोटर मार्केट में अवेलेबल है और इसका कैलकुलेशन करने का तरीका इस फॉर्मूले से आता है। इसके बाद हम लोग इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड कौन कौन से हैं वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाई चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब आप वोल्टेज कम करोगे तो उसका टॉर्क भी कम होगा। तो यहाँ पे टॉर्क और स्पीड का ग्राफ है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे वोल्टेज कम कर रहे हैं आउटपुट टॉर्क कम हो रहा है। और ये आपका लोड है, तो अगर वोल्टेज आपका V1 है तो आपका स्पीड N1 रहेगा, और सपोज आपने वोल्टेज कम कर दिया V2 कर दिया तो आपका लोड यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है तो आपका स्पीड N2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप वोल्टेज चेंज करते हो तो आपका स्पीड भी कम ज्यादा होगा, लेकिन ये जो रेंज है उसको आप ज्यादा कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो स्पीड रेगुलेशन बहुत स्मूथ नहीं रहेगा इस केस में। दूसरा मेथड है बाई चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो NS आपका चेंज हो जाएगा, और NS जैसे चेंज होगा उसके हिसाब से इंडक्शन मोटर का स्पीड चेंज होगा। बट इसमें एक मेजर ड्रॉबैक है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स सैचुरेशन होने का खतरा रहता है। तो हम लोग डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते। अभी फ्लक्स सैचुरेशन कैसे होता है वो हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग ये चीज देखेंगे कि केवल फ्रीक्वेंसी चेंज करके आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स को चेंज करके भी आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर आप कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बना लो कि 2 पोल और 4 पोल की तरह आप मोटर यूज कर सकते हो, तो वैसे आप स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल चेंज होंगे आपका सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगा। लाइक यहाँ पे अगर 2 पोल का मोटर है तो सिंक्रोनस स्पीड 3000 रहेगा, और यहाँ पे 4 पोल का मोटर है तो सिंक्रोनस स्पीड आपका 1500 आरपीएम रहेगा। इसी तरीके से कई केसेस में हम लोग डबल स्पीड का मोटर यूज करते हैं। डबल स्पीड का मोटर से हमारा मतलब ये है कि आपकी स्टेटर वाइंडिंग पे 2 वाइंडिंग रहेगा, तो एक वाइंडिंग 2 पोल का हो सकता है, दूसरा वाइंडिंग 4 पोल का हो सकता है। इस तरीके से आपका मोटर 2 स्पीड में रन करेगा। अगर आप 2 पोल के वाइंडिंग पे सप्लाई देंगे तो आपका मोटर 3000 आरपीएम पे रन करेगा,
अगर फोर पोल के वाइंडिंग पे आप सप्लाई देंगे तो आपका मोटर 1500 आरपीएम पे रन करेगा। इस टाइप का मोटर आप जनरल जो सिंपल रेडियल ड्रिलिंग मशीन है उस पे देख सकते हो, जहाँ पे दो स्पीड का यूज करके हम लोग अलग अलग स्पीड को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे गेयर बॉक्स रहता है तो इसमें आप मैकेनिकल स्पीड को एडजस्टमेंट कर सकते हो, और जो बेस स्पीड चाहिए मोटर को वो हम लोग डबल स्पीड के मोटर को यूज करके कर सकते हैं। इसके बाद स्लिप रिंग रेसिस्टर कंट्रोल भी एक मेथड है। यहाँ पे क्या रहता है कि रोटर में स्लिप लगा रहता है, और जब आप यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टर ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका टॉर्क जो होगा मैक्सिमम टॉर्क शिफ्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली आप उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो इस टाइप का मेथड जो है आपका ओवरहेड क्रेन में पहले यूज किया जाता था, और अभी इसके रिप्लेसमेंट VFD है। तो हम लोग ये ना यूज करके VFD का यूज करते हैं, जो कि सिंपल है और इजी भी है। इसके बाद V/F कंट्रोल। V/F कंट्रोल में हम वोल्टेज भी चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी भी चेंज करते हैं। दोनों चीज चेंज करने का पर्पस हमारा ये रहता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे सिंक्रोनस स्पीड चेंज होता है, बट केवल फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेचुरेट हो जाएगा। तो वो सेचुरेट ना हो तो अकॉर्डिंगली हम लोग वोल्टेज को भी चेंज करते हैं। तो हम जनरली V/F के रेशियो को कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो ये वाला मेथड जो है VFD में यूज किया जाता है, जहां पे V/F से हम स्पीड कंट्रोल करते हैं। नाउ हम लोग V/F स्पीड कंट्रोल के बारे में समझते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो इंड्यूस EMF जनरेट होता है वो सिमिलर टू ट्रांसफार्मर होता है, और उसका जो इक्वेशन है वो E=4.44πkTF होता है। यहाँ पे फाई जो है फ्लक्स है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है। तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा V/4.44kTF। अभी इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूड निकलता है कि सपोज हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग कम करेंगे आपका फ्लक्स इंक्रीज करता जाएगा। अभी इस फॉर्मूले में जब फ्रीक्वेंसी को आप फर्दर रिड्यूस करोगे तो एक सर्टेन लेवल के बाद क्या होगा कि आपका फ्लक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और इसकी वजह से ये जो फ्लक्स है वो सेचुरेशन रेंज में आ जाएगा। तो सेचुरेशन रेंज में जाने के बाद आपका जो इंडक्शन प्रिंसिपल पे आपका मोटर वर्क कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो अगर फ्लक्स आपका सेचुरेट हो गया है तो आपका मोटर रोटेट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, आपका टॉर्क प्रॉपर जनरेट नहीं होगा। इसके लिए हमको फ्लक्स को सेचुरेशन रेंज में नहीं लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर फ्रिक्वेंसी को हम कम कर रहे हैं स्पीड को कम करने के लिए, तो साथ में हम लोग वोल्टेज को भी कम करेंगे ताकि V/F का जो रेशियो है वो मेंटेन रह सके। लाइक आपका रेटेड वोल्टेज V जो है वो 440 है और फ्रीक्वेंसी आपका 50 Hz है, तो 440/50 एक आपका सर्टेन वैल्यू आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग मेंटेन करेंगे पूरे रेंज में। अगर हम फ्रीक्वेंसी 25 देना चाहते हैं, 25 के हिसाब से स्पीड हमको एडजस्ट करना है, तो सिमिलरली वोल्टेज को भी हमको 50% कम करना पड़ेगा। तो ये होता है V/F कंट्रोल। इससे फायदा क्या होगा, आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा चाहे आपका फ्रीक्वेंसी कम रहे या रेटेड फ्रीक्वेंसी रहे, और यहाँ पे आपका फ्लक्स का सेचुरेशन नहीं होगा। तो सेम चीज इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो इसके लिए एसेंशियल है कि V/F का रेशियो जो है वो मेंटेन किया जाए, और बेस स्पीड के ऊपर क्योंकि हम रेटेड वोल्टेज के अबव वोल्टेज हम लोग मोटर पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमको स्पीड जो है बेस स्पीड से ज्यादा करना है तो हम लोग वोल्टेज को फिक्स कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। मतलब क्या हुआ, सपोज फोर पोल का मोटर है और स्पीड हमको 1000 RPM चाहिए, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे, साथ ही साथ रेटेड वोल्टेज जो अप्लाई करना है मोटर पे उसको भी कम करेंगे। अगर सेम मोटर के लिए जो कि फोर पोल का मोटर है हमको स्पीड 2000 RPM चाहिए, तो इसमें हमको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा, बट हम लोग रेटेड वोल्टेज जो मोटर को अप्लाई करने वाले हैं उसको कॉन्स्टेंट रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो V/F कंट्रोल कहाँ पे यूज किया जाता है, आपका जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है या VFD उसमें V/F कंट्रोल यूज किया जाता है, और ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे आपका मोटर से फीडबैक नहीं आता है। आपका मोटर के आउटपुट में इनकोडर या कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है जो कि सिग्नल बैक करे आपके VFD को, तो इसको ओपन लूप कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ पे आप एक कमांड दोगे कि हमको इतना स्पीड चाहिए, अकॉर्डिंगली आपका जो कंट्रोलर है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेगा, और सेम चीज मोटर पे अप्लाई करेगा, मोटर उसके हिसाब से रोटेट करेगा। तो अभी जो VFD आ रहे हैं उसमें V/F के अलावा वेक्टर स्पीड कंट्रोल मेथड भी अवेलेबल है। तो वेक्टर स्पीड कंट्रोल मेथड जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें वेक्टर मेथड का यूज करके स्पीड को रेगुलेट करते हैं।
तो ये वेक्टर स्पीड कंट्रोल मेथड जो है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें कि मोटर के टर्मिनल से एक फीडबैक आता है इनकोडर के फॉर्म में। इनकोडर क्या करता है, रीडिंग को नोट करेगा कि आपका मोटर कितना रोटेट हुआ, कितने आरपीएम पे रोटेट हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कंट्रोलर को देगा। अकॉर्डिंगली कंट्रोलर डिसीजन लेगा कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को फर्दर कितना चेंज करना है। तो ये दो मेथड जो है वो एट प्रेजेंट वीएफडी में यूज किए जा रहे हैं और ये काफी पॉपुलर है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। आप जस्ट कमांड दीजिए कंट्रोलर, अकॉर्डिंगली आपका सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस के हेल्प से स्पीड और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा और मोटर पे अप्लाई करेगा, मोटर स्पीड को चेंज कर देगा। अभी वीएफडी का इंटरनल अगर व्यू देखना चाहते हैं तो ये तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहले जो थ्री फेज सप्लाई हम अप्लाई करते हैं वीएफडी पे, वो डीसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे फिल्टर उल्टर होते हैं जो कि डीसी वोल्टेज को स्मूथ करते हैं। उसके बाद इन्वर्टर यूनिट होता है जो कि ये डीसी वोल्टेज को फर्दर एसी में कन्वर्ट करता है, और इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो एसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वोल्टेज कितना रहेगा वो डिसाइड करेगा कंट्रोलर, और कंट्रोलर को हम कमांड देते हैं ऑपरेटर इंटरफेस से। तो जो भी इंटरफेस पे हम इनपुट देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे इन्वर्टर स्विचिंग होगा, और साथ ही साथ फीडबैक डिवाइसेस भी अगर लगा है तो उसका भी डाटा कंट्रोल लॉजिक में आएगा और अकॉर्डिंगली इन्वर्टर को कंट्रोल किया जाएगा और आपका मोटर इजिली रेगुलेट होगा। इस तरीके से इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड है। लाइक कोई इंडक्शन मोटर को एक फिक्स स्पीड पे रोटेट करना है तो हम नंबर ऑफ पोल को डिसाइड करके क्या स्पीड मोटर का हमको लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल गेयर बॉक्स भी होते हैं जिसमें कि फिक्स स्पीड का मोटर लगा होता है और मैकेनिकल गेयर बॉक्स से हम स्पीड को रेगुलेट करते हैं, और क्योंकि मैकेनिकल गेयर बॉक्स में वेयर एंड टेयर होता है और प्लस रोटेटिंग पार्ट है तो उसमें नॉइज भी जनरेट होता है। तो ये मेथड थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप का है और जनरली नहीं यूज करते हैं। इसी तरीके से स्लिप रिंग मेथड था, वो हम लोग क्रेन में यूज करते थे जहाँ पे रेसिस्टर बॉक्स ऐड करके हम लोग डिफरेंट स्पीड को अचीव करते थे, बट उसमें भी रोटेटिंग पार्ट है तो उसमें ब्रेकडाउन और मेंटेनेंस ज्यादा आता था। तो इसका रिप्लेसमेंट अभी वीएफडी ड्राइव्स है। तो इस तरीके से इस सेशन में हम लोगों ने समझा कि इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे होता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।